नमस्कार, वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। समृद्धि महामार्ग के ओवर के पास का ढहा हिस्सा, नए सिरे से काम में 1.5 महीने का लगेगा समय। हनुमान चालीसा विवाद पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आया जवाब, कहा मेरे घर पर हनुमान चालीसा पढ़ो मगर दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और विलासराव देशमुख अभय योजना को जनता का कम प्रतिसाद, अब तक 3.20 करोड़ रुपए की वसूली, 168 करोड़ का बिजली बिल अब भी बकाया। खबरें विस्तार से। हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग पर वन्य प्राणियों के आवागमन के लिए बने ओवरपास का हिस्सा रविवार की देर रात ढह गया। इसके साथ ही 2 मई को इसका लोकार्पण भी डाल दिया गया। नई तिथि का ऐलान भी नहीं हुआ है, बस इतना कहा जा रहा है कि ओवरपास बनाने में 1.5 महीने का समय लगेगा। सार्वजनिक उपक्रम मंत्री एकनाथ शिंदे ने 22 अप्रैल को महामार्ग का अवलोकन कर ऐलान किया था कि 2 मई को नागपुर से वाशिम जिले के शेलू बाजार तक के 210 किलोमीटर महामार्ग का लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान शिवमड़का स्थित महामार्ग के एंट्री पॉइंट से 15 किलोमीटर दूरी पर वन्य प्राणियों के लिए ओवरपास का निर्माण आरंभ था। इस ओवरपास का डोम बनकर तैयार था, उसके नीचे से आसमान नहीं दिख रहा था। इस संरचना के हिस्से में लगी स्ट्रिप नहीं दिख रही। स्थानीय श्रमिकों के अनुसार पुल की 16वें नंबर की स्ट्रिप ढह गई। MSRDC के अधिकारी संदर्भ में चुप्पी साधे हुए हैं। वे केवल इतना कह रहे हैं कि 105 आर्क स्ट्रिप में से कुछ हिस्सा दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन स्थानीय अधिकारी ये नहीं बता रहे कि हकीकत में हुआ क्या है। MSRDC का कहना है कि अब विशेषज्ञों से चर्चा कर नई तकनीक से सुपर स्ट्रक्चर बनाने का फैसला हुआ है। ये काम 1.5 महीने में पूर्ण होगा। चूंकि काम अधूरा है, इसलिए इस महामार्ग को आम जनता के लिए नहीं खोला जा सकता, इसी वजह से लोकार्पण को टाल दिया गया है। हनुमान चालीसा विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि उनके घर पर हनुमान चालीसा पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिवसेना अध्यक्ष ठाकरे ने भाजपा का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधा और दावा किया है कि उन्हें हिंदुत्व सिखाने वाले उस वक्त चूहे के बिल में छिपे थे जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। ठाकरे ने यह बेस्ट मुख्यालय में नेशनल कॉमन मेमोरिटी कार्ड NCMC की शुरुआत के मौके पर कहा, अगर आप मेरे घर पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो आइए, लेकिन सही तरीके से आइए। गेले काही दिवस चाललेले आहे, हिंदुत्व सोडलं, शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं, म्हणजे नेमकं काय सोडलं? हिंदुत्व म्हणजे काय धोतर आहे का हो, हे घातलं नेसलं आणि सोडलं, हे असे नाहीये। एक मुद्दा मी मुद्दामहून सांगेन की जे आता आम्हाला हिंदुत्व शिकवत आहेत त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे काय तुम्ही हिंदुत्वासाठी केलेलं आहे। ज्या वेळेला बाबरी पाडली गेली होती तेव्हा सुद्धा तुम्ही बिळामध्ये लपला होतात। राम मंदिर बांधण्याचा सुद्धा निर्णय हा तुमच्या सरकारने घेतलेला नाही, तो कोर्टाने दिलेला आहे, आणि बांधताना सुद्धा तुम्ही लोकांसमोर झोळ्या पसरवलेल्या आहेत। मग तुमचं हिंदुत्व आहे कुठे? आणि शिवसेना प्रमुखाने जे आम्हाला हिंदुत्व शिकवलेलं आहे ते हेच हिंदुत्व आहे। त्यांनी जे सांगितलं, अजूनही शिवसेनेकडे जे बसले त्यांनी प्रत्यक्ष ती सभा पाहिलेली आहे, शिवसेना प्रमुखांचं हिंदुत्व हेच आहे। त्यांनी सांगितलं होतं कि मला देवळात घंटा बडवणारा हिंदू नको आहे, मला अतिरेक्यांना बडवणारा हिंदू पाहिजे। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। जिकडे हनुमान चालीसा असेल पढा। रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले, अप्रतिम आहे, भीमरूपी महारुद्रा। ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आला तर दाखवायला कमी पडणार नाही, कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे। या घरी यायचे, या हनुमान चालीसा तुमच्या घरात जर ती पद्धत नसेल, संस्कृती नसेल, आमच्या घरात येऊन बोलायचं असेल तर बोलू शकता जरूर, पण त्याला एक पद्धत असते, पद्धत असते। लहानपणापासून मी बघत आलेलो आहे, अशी एक म्हण आहे की साधू संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा। पण आमच्या घरामध्ये दिवाळी असो, दसरा असो किंवा नसो, साधू संत येतच असतात। शिवसेना प्रमुख होते, माँ होती तेव्हाही येत होते, आताही येतात, पण ते नीट बोलून सांगून येतात की मैं आपके घर आना चाहता हूँ, कुछ तो आपको बताना चाहता हूँ, आइए जरूर आइए, आगत स्वागत आम्ही करू। पण दादागिरी करून याल
तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे. म्हणून मला जास्त काही बोलायचं नाहीये. लवकरात लवकर माझा इरादा आहे एक जाहीर सभा घ्यायची, कारण हल्ली सभेचं पेव करोना गेला असं वाटतंय. पण मी आपल्याला सगळ्यांना पुन्हा एकदा सांगतो की निदान जोपर्यंत महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री मास्क काढत नाही तोपर्यंत तुम्ही सुद्धा मास्क काढू नका. आता सगळ्यांनीच मास्क काढलेले. स्थायी रूप से काटे गए बिजली कनेक्शन को बहाल करने के लिए आरंभ की गई विलासराव देशमुख अभय योजना को प्रतिसाद नहीं मिल रहा है. हालात का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि नागपुर परिमंडल में 1,05,531 ऐसे ग्राहक हैं, लेकिन अब तक केवल 728 ने ही इसका लाभ लिया है. कुल 168 करोड़ के बकाया में से 3.20 करोड़ रुपए की ही वसूली अब तक संभव हो सकी है. विलासराव देशमुख अभय योजना का लाभ वे ग्राहक ले सकते हैं जिसका बिजली कनेक्शन 21 दिसंबर 2021 से पहले बिल नहीं भरने की वजह से स्थायी रूप से काटा गया है. योजना का लाभ लेने वालों का ब्याज एवं विलंब शुल्क माफ होना है. बकाया की 30% राशि भरकर ग्राहक शेष राशि किश्तों में भी भर सकते हैं. लघु दाब ग्राहक को 5% एवं उच्च दाब ग्राहक को 10% की अतिरिक्त छूट दी जा रही है. 31 अगस्त 2022 तक आरंभ इस योजना को पहले महीने कुछ खास प्रतिसाद नहीं मिला है. परिमंडल में इस योजना का लाभ 1,05,531 ग्राहक ले सकते हैं. इन ग्राहकों पर कुल 168 करोड़ रुपए का बकाया है. 25 अप्रैल तक इस योजना का केवल 728 लोगों ने लाभ लिया. इन ग्राहकों पर 3,20,00,000 रुपए का बकाया था. योजना में शामिल होने की वजह से उन्हें 1,10,00,000 रुपए की राहत मिली है. वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. Love you, दीपिका. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बार बार उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा को लेकर बनी असमंजस की स्थिति अब दूर हो गई है. राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री के साथ राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की ऑनलाइन बैठक में ऑफलाइन परीक्षा लेने का फैसला हुआ है. बैठक में यह भी तय किया है कि परीक्षाएं जून के प्रथम सप्ताह से शुरू होगी. सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं 15 जुलाई तक समाप्त होगी. परीक्षाओं के नतीजे अगस्त तक जारी हो जाएंगे ताकि प्रवेश प्रक्रिया का विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र सही समय पर शुरू हो सके. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव व निदेशक की एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में ये भी तय किया गया कि परीक्षा कैसे होगी. सूत्रों ने बताया कि बैठक में तय किया गया है कि विद्यार्थियों की लेखन क्षमता कम हुई है, लिहाजा उन्हें परीक्षा के दौरान अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया जाएगा. परीक्षा में एक भी प्रश्न बहुवैकल्पिक नहीं होंगे.
सभी प्रश्न वर्णनात्मक होंगे, विद्यार्थियों को उसका उत्तर लिखना होगा। इस फैसले के साथ ही पिछले कई दिनों से ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े छात्र संगठनों को करारा झटका लगा है। इन दो पार्टियों से जुड़े संगठनों की ओर से लगातार ऑनलाइन परीक्षा की मांग की जा रही थी। पिछले दिनों विश्वविद्यालय ने परीक्षा मंडल की बैठक में ऑनलाइन परीक्षा लेने का फैसला लिया गया था। विश्वविद्यालय के फैसले से कुछ विद्यार्थी खुश थे तो कई विद्यार्थी नाखुश थे। हनुमान चालीसा विवाद में अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भी कूद पड़े हैं। उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने का चैलेंज करने वाले सांसद नवनीत राणा और उनके पति को लेकर बयान दिया है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है तो अपने घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके लिए क्या आपके पास अपना घर नहीं है? उन्होंने राणा दंपति पर हमला जारी रखते हुए कहा, कई लोग हनुमान चालीसा का नाम लेकर माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं। बता दें कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, जिसे शिवसेना के कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने दंपति के आवास के आगे विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले में मुंबई पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और बाद में उनसे राजद्रोह का आरोप भी जोड़ दिया गया। रविवार को मुंबई की एक अदालत ने राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद रविवार देर रात अमरावती से सांसद नवनीत राणा को भायखला महिला कारावास ले जाया गया था। एक जन कोल्हापुर होते, परंतु आमचे गृहमंत्री हे मुंबई मध्ये होते, मुख्यमंत्री मुंबई मध्ये होते। मुंबई मध्ये आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, एक सन्माननीय खासदार अमरावतीचे आणि एक तिथल्याच भागातले आमदार, ह्या दोघांनी एक निर्णय घेतला की बाबा आम्ही येऊन मातोश्रीला अशा प्रकारचं एक तिथं प्रार्थना म्हणणार आणि हनुमान चालीसा हे म्हणायच्याबद्दलचा त्यांनी निर्णय घेतला। वास्तविक कुणी कुठं काय म्हणावा हा ज्याचा त्याचा लोकशाहीमध्ये अधिकार आहे, त्याबद्दल आमचं कुणाचंही दुमत असायचं कारण नाही। पण ज्याच्यातून नवीन प्रश्न निर्माण होणार आहे, कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होणार आहे, कारण शेवटी गृह विभागाला काही झालं तर राज्यातल्या सगळ्या भागातली कायदा सुव्यवस्था उत्तम ठेवण्याची जबाबदारी ही त्यांची असते। आम्ही पण अनेकदा सरकारमध्ये किंवा विरोधी पक्षामध्ये काम केलेलं आहे, कधी कधी आम्हाला पण सांगितलं जातं की अमुक अमुक कार्यक्रमाच्या ठिकाणी तुम्ही जाऊ नका, तिथलं वातावरण थोडंसं तंग आहे आणि अशा वेळेस तिथं नवीन काही प्रश्न निर्माण व्हायला नको। आणि आम्ही जर पोलिसांनी आम्हाला सांगितल्यानंतर आम्ही ते ऐकतो, त्यांनाही पोलिसांनी सांगितलं की आपण तसं करू नका, कारण तुम्ही ज्यावेळेस एका पक्षाच्या नेतृत्वाच्या घरापाशी जाऊन हे सगळं करायचं म्हणता, ज्याला कुणाला करायचं आहे त्यांनी आपल्या घरामध्ये प्रार्थना करावी, जे काही देवधर्म करायचं आहे तो करावा, किंवा जिथं जी देवस्थानं असतात तिथं जावं, जिथं श्रद्धा असती तिथं जावं, त्याबद्दल दुमत असायचं काही कारण नाही। कारण बाबासाहेबांच्या संविधानांनी जे काही आपल्याला सांगितलेलं ते सर्वांना सर्व प्रकारच्या मुभा दिलेल्या आहेत कायद्याच्या नियमाच्या चौकटीमध्ये राहून, आणि हे सगळं होत असताना त्यांना इतक्यादा पोलिसांनी सांगितलेलं होतं की आपण येऊ नका, परंतु ते आले, त्यांचा खार का काही त्या भागातला फ्लॅट आहे तिथं ते थांबले। ते थांबल्यानंतर शेवटी शिवसैनिक पण थोडे की बाबा आमच्या नेत्याच्या परिसरामध्ये येण्याचं काय कारण आहे असं ते जरा झालं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदने का ऑफर दिया है, जिसे कंपनी ने स्वीकार कर लिया है। मस्क ने 2 सप्ताह पहले कहा था कि ट्विटर में जबरदस्त क्षमता है जिसे वो अनलॉक करेंगे। ट्विटर ने जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्लेटफॉर्म से बैन किया था, उसी समय मस्क, जो खुद को फ्री ऑफ स्पीच का बड़ा पक्षधार बताते हैं, उन्होंने कहा था कि वो इस मंच को सुधारना चाहते हैं। बीती रात मस्क ने एक बयान जारी करते हुए ट्वीट किया, फ्री स्पीच एक कार्यशील लोकतंत्र का आधार है और ट्विटर डिजिटल की दुनिया का एक टाउन स्क्वायर है, जहां मानवता के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर बहस होती है। मैं भी नई सुविधाओं के साथ ट्विटर को पहले से कहीं बेहतर बनाना चाहता हूं। लोगों में प्लेटफॉर्म को लेकर विश्वास बढ़ाने के लिए एल्गोरिदम को ओपन सोर्स बनाना, स्पैम बॉट्स को हटाना और सभी लोगों को पहचान को प्रमाणित करना इसमें शामिल होगा। ट्विटर में जबरदस्त क्षमता है, मैं इसे अनलॉक करने के लिए कंपनी और यूजर्स की कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। नागपुर जिले के काटोल में एक बेहद ही भयावह आगजनी का मामला सामने आया है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से एक फर्नीचर की दुकान को आग लग गई। इस आग में जलकर 88 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु होने की दुर्दैवी खबर भी सामने आई है। मृतक का नाम नूर मोहम्मद बोधर बताया गया। फर्नीचर की दुकान में बड़ी संख्या में लकड़ियां होने के वजह से आग ने रौद्र रूप धारण कर दिया। बताया जा रहा है कि आधी रात के दरमियान ये घटना घटी। काटोल मध्यरात्रीला लागलेली ही आग 3:15 वाजताच्या दरमियान अनुसयापुरम येथील
सलीम फर्निचर येथील ही आग इतकी भयंकर होती की काही वेळातच पूर्ण घरचं घर हे पूर्ण जळून खाक झालेलं आहे। तो मॉर्निंग बुलेटिन में अभी इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।